स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा वो स्प्रिंग जो बचपन में देखते थे। मुझे तो पता है, आपका पता नहीं आजकल वो आते हैं या नहीं, कबाड़ी वाले रखते हैं, कबाड़ी वाले रखते हैं वो स्प्रिंग, उससे ऐसे लटक जाओ तो उसमें एक पॉइंटर होता है, वो नीचे खिसक जाएगा, वो जहां पे है ना वहां नोट कर लो क्या रीडिंग है, आपके मास की रीडिंग उससे आ जाती है। कैसे वो काम करता है अभी हम सीखेंगे, कैसे वो एग्जैक्ट रीडिंग आपकी दे पाता है अभी हम वही सीखने वाले हैं। सो रेडी, गेट रेडी। देखिए भाई ध्यान से किस तरह से वो काम करता था। देखो मैं स्प्रिंग बनाता हूं आपके लिए प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह वो होता था, ऐसे ऐसे, इस तरह इस तरह, और ऐसे उसके अंदर नीचे ये लटकाने को एक हुक दे रखा है। क्लियर, इसको बोलते हैं हुक प्यारे बच्चों, दिस इज द हुक, जहां पे कोई भी चीज बांधी जाएगी जिसको भी मापना है। और यहां पे ना स्प्रिंग होता है इसके अंदर, ऐसे क्या होता है, स्प्रिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ अब सुनो भाई, और इसको ना एक सीलिंग से ऐसे अटैच कर दो, सीलिंग से क्या कर दो, अटैच कर दो। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर इस पे यहां पे ना एक मास लटका दिया, मान लिया मैं खुद लटक गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया के है प्यारे बच्चों, ओके, के इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और इसके अंदर ना एक पॉइंटर होता है, जो जब ये नॉर्मल पोजीशन में है ना, इससे कुछ भी लटका हुआ नहीं है, तो वो पॉइंटर जो है प्यारे बच्चों, मैं ऐसे ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, वो पॉइंटर जो है वो जीरो पे होता है, जीरो पे होता है, ठीक है। अभी जीरो पे कुछ लटका ही नहीं रखा इससे, अब मैंने क्या किया, इसके साथ कुछ ना कुछ लटका लिया प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ हैंग कर दिया इसके साथ। तो जब मैं कुछ ना कुछ इसके साथ हैंग करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या नजर आएगा, ये लो मैं ऐसे का ऐसा सेम एज इट इज बना लेता हूं एक बार, इस तरह से अपने पास ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया प्यारे बच्चों। और अब इसके अंदर जो स्प्रिंग है, मान लिया मैं खुद इससे लटक गया, है ना, सर लटक गए इससे भैया, तो यहां से मैं लटकूंगा तो ये नीचे आएगा, क्योंकि स्प्रिंग है, खींचेगा भाई, हाँ खींचेगा सर। तो अब ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहां ऐसे ये इसका हुक था, और यहां पे मैं लटका हुआ हूं, मान लिया मैंने अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ रखा है, ठीक है। वाह सर क्या ड्राइंग है सर, तो यहां पे मैं लटका हुआ हूं प्यारे बच्चों, और अब वो पॉइंटर आपका वही है, थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे आ गया सर, पॉइंटर यहां कहीं आ गया खिसक के, मानते हो आप, पहले यहां था, पहले यहां था, और अब यहां की बजाय थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पे आ गया, क्लियर। और ये यहां पे क्या वैल्यू लिख रखी है वो मैं कैसे निकालूं, अब वो कैसे निकालेंगे सोचो, ये कोई स्प्रिंग था, इसका के हमें पता था प्यारे बच्चों, इसके के की वैल्यू ना नॉन थी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू नॉन थी, इसके बारे में पहले से अपने को पता था, ठीक है। वो कैसे पता किया सर, अरे मटेरियल देख लिया कौन सा है, इसके शेप साइज वगैरह एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ओके। तो मान लिया के की वैल्यू हमें नॉन थी, पता थी, ठीक है सर। तो अब कैसे पता करें भाई कि मेरा मास कितना है, सुनो प्यारे बच्चों, अभी अभी पढ़ा था, पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया m इज इक्वल टू के एक्स बाई जी, m इज इक्वल टू के एक्स बाई जी, इसमें x क्या है भाई, इसमें x क्या है, ये जितना आपने इसको डिस्प्लेस करवाया है, ये x है प्यारे बच्चों, है ना। और यहां जाके आप वैसे आप जब इससे लटके थे तो नीचे आते गए यहां आके रुक गए, तो यहां आके आप रुक गए ना, तो यहां पर आपका जो mg है नीचे की तरफ, आपका जो mg है नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ लगने वाले kx के बराबर है प्यारे बच्चों। यहां पे जो kx, यहां पे जो, अरे 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 अरे, यहां पे जो ऊपर की तरफ kx लग रहा है अब, वो बिल्कुल नीचे की तरफ वाले mg के बराबर है, जो पर्सन पे mg है नीचे की तरफ, हाँ। तो mg इज इक्वल टू kx, और यहां से आपका m विल बी इक्वल टू kx बाई g, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्लियर है प्यारे बच्चों, m विल बी इक्वल टू के एक्स बाई जी होगा। अब सुनो, k की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है, नॉन होगी। x की वैल्यू, हाँ सर यहां से निकाल ली, कितना एलोंगेशन आया, पुट कर दो। और g की वैल्यू, हाँ सर 9.8 नियरली 10 पुट कर देंगे यहां पे, जब पुट किया तो मास की वैल्यू आई कोई ना कोई, हाँ मान लिया 70 kg आई, तो यहां पे 70 लिख दो भाई, यहां 70 लिख दो, इसमें स्प्रिंग बैलेंस में यहां पे रीडिंग्स होती है ऐसे 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 ऐसे, तो इस रीडिंग पे 70 लिख दो,
है ना। इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट यहां से लटकाया और देखा एलोंगेशन सिर्फ इतनी सी थी, पॉइंटर यहां पे था, तो उसके हिसाब से एक्स को पुट करके मास निकाल दो और यहां पे वो रीडिंग लिख दो जो भी आए, है ना। तो इस तरह से रीडिंग यहां पे लिख दी जाती है प्यारे बच्चों, और आपको बार बार ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता जब भी अपना मास मेजर करना है। सिंपली क्या करो, यहां देखो रीडिंग पे और आंसर आ जाएगा, आपको अपना मास पता चल जाएगा। अदरवाइज तरीका क्या है, यानी किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, भाई m इज इक्वल टू के एक्स बाई जी, जहां पे k क्या है, नॉन मेटीरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट है, x क्या है, जितना एलोंगेट हुआ है स्प्रिंग आपका वो है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब ये आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो जो आंसर आएगा उस पॉइंटर के सामने वही वैल्यू लिख दो, और इस तरह से आप एक नया स्प्रिंग बना सकते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी स्प्रिंग बैलेंस बना सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? भूलना मत कभी भी, बुक्स में नहीं लिखी मिलती ये चीजें ना, ये जनरल एक्सपीरियंस से आती हैं। आप जितना ज्यादा चीजों को पढ़ते जाओगे ना, जितना ज्यादा डीप में जाते जाओगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। भाई बुक में कितना ही लिखेगा, कोई कितना ही लिखेगा, आखिर आपका सिलेबस भी कवर करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डालने हैं बुक में, 100 तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वहां पे मेंशन करने हैं आपको, समरी भी देनी है, पता नहीं क्या 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 क्या, कितना ही वो लिखेगा। तो उसका काम है, बुक वाले का काम है आपको आइडिया देना, आपके आइडिया को और ज्यादा प्रोस्पीरियस बनाना आपके लिए काम है आपके टीचर का, और उसमें से भी डूब के नई नई चीजें एक्सप्लोर करके लाना काम है आपका प्यारे बच्चों। टीचर हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, हाँ बस आपको जरूरत है तो अपने दिमाग से इन चीजों को सोचने की, ताकि इनमें से कुछ नया आप निकाल के ला सको, ताकि जो ऑलरेडी बुक्स में लिखा है, जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, वो आपके दिमाग से कभी भी निकले ना, मानते हो ना आप ये बात। चलिए फिर आगे चलें, और अब बात करते हैं कि अगर मैं दो स्प्रिंग बैलेंस ले लूं और दोनों से एक एक हाथ से झूल जाऊं तो भी क्या दोनों में 70-70 केजी दिखाएगा मेरा मास, या फिर एक में 35 और दूसरे में 35। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों।